In this question, यहाँ पे AU I3 है, तो ये जितना भी सॉल्यूशन में होगा उसके आयंस के फॉर्म में होगा. तो यहाँ पे एक्वस प्लस 3I- एक्वस, तो इसमें इसका केस भी दिया हुआ है. क्वेश्चन में जो है वो 2.7 × 10⁻⁷. अब इसका एस डिसॉल्व हुआ तो इसका कितना हुआ, 3s. तो ये अपना क्या हो गया, s इंटू 3s का क्यूब. तो हम कह सकते हैं कि S4 सॉल्व कर लिया तो ये हो गया S 12 मोल्स पर लीटर. ऐसे तो ये गोल्ड का अपने को आ गया. अब इसको ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट करें जो है वो हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड आर थर्ड आर देयर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां पे इसको हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इतना ग्राम पर लीटर आ गया है ना. तो मिलीग्राम में जो है वो इतना हो गया. तो इस तरह से अपन इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे. दिस इज द आंसर.